सत्यग्राम रिपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। अब हम पहुंचे हैं एमएम राइट स्कूल की प्रिंसिपल महोदय श्रीमती ज्योति छिब्बर जी और साथ में डायरेक्टर बलजीत यादव जी व समाज सेवी फकीर चंद दाहिल जी। तो मैडम से बात करेंगे हम इस विषय पे, थोड़ा चर्चा करेंगे आज कि आज की क्या रूपरेखा। मैडम बताइए एक बार, आज फकीर चंद जी हमारे बीच में आए हैं तो थोड़ा बताइए आप। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे समाज सेवी हैं वो हमारे बीच हैं, मेरी बात हुई फकीर चंद जी से तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया हमें कि किस तरीके से वो लोगों के कल्याण के लिए जैविक खेती के बारे में लोगों को जागरूक कराते हैं समय समय पे। और कोरोना के टाइम पीरियड के दौरान भी उन्होंने कैसे लोगों को बताया कि वो कोरोना से कैसे खुद बच सकते हैं और यदि कोई व्यक्ति प्रभावित हो गया है कोरोना से तो वो किस तरीके से खुद को सेफ रख सकता है और खुद के साथ साथ दूसरों की भी सावधानी रख सकता है। तो मैं काफी इंस्पायर्ड हुई सर से उनकी बातें सुन के और शायद मैं चाहूंगी कि मैं और इनके बारे में जानूं। फकीरचंद जाहिल भी, वैसे भी अगर मैं गांव लेवल पे बात करूं, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर या पेड़ पौधे लगाने का कोई काम हो या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो हर प्रक्रिया में फकीरचंद जी आगे रहते हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारे ऐसे समाज से भी हमारे बीच में आज भी है जो पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी समाज के अंदर निभा रहे हैं। तो मैं बलजीत यादव जी पूछूंगा। जी बलजीत यादव जी, बताइए आप कि फकीरचंद जी और क्या क्या प्रक्रिया है गाँव के अंदर कर रहे हैं। फकीरचंद कोई भी सोशल एक्टिविटी हो उसमें सबसे आगे बढ़ के, जैसे सबसे पहले तो बचपन से हमारे तरह बच्चा ये छोटा आता था खेलों के अंदर, यानी इतनी सेवा कोई भी ड्यूटी लगा देते हैं खेलों के अंदर, छोटे से लेके बड़े बच्चों तक भी ये जो नया है उसमें लगते हैं। बाकी उसके बाद में कैंप लगाते हुए दो कम मैंने भी अटेंड किए, इन पे हिमाचल से आते थे आचार्य, नाम क्या था उनका, बड़े अच्छे संजीव संजीव आचार्य जी आते थे। तो जैविक पे बड़े ही अच्छी जो चीजें समाज में जो आना जानकारी फैल गया, ये बड़े ही तो उसके लिए अच्छा है, एक्टिव रहते हैं। तो काफी कैंप फकीर चंद जी ने लगाए हैं गांव मोहनपुर के अंदर। मैं फकीर चंद जी जानना चाहूंगा जी, आप कैसे प्रेरित हुए कैंपों के लिए, जैविक का जो आपने कृषि का बढ़ावा दे रहे हो आप लोगों को, तो बताइए कहाँ से प्रेरित हुए आप। मेरे को स्टार्टिंग से ही बचपन से ही देशभक्ति किताबें, सामाजिक जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं उन पे किताबें पढ़ने का मौका मिला। और मेरे को सबसे पहले आदरणीय कॉमरेड प्रीति सिंह जी और कॉमरेड कृष्ण स्वरूप जी और बाद में अपने पूर्व सरपंच जग्गा जेलदार जी और हमारे प्रमुख समाज सेवी बलजीत यादव जी से, इन जैसे महापुरुषों से मुझे प्रेरणा मिली और मेरे अंदर कुछ समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति और मेरी ये समाज सेवा के अलग मेरे अंदर जगी। उस मैं बचपन से ही इस समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। स्टार्टिंग में मैं खेलों में भागीदारी ली, फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए और समय समय पर जिस तरह गौशाला में भी हमने सेवाएं दी, पेड़ पौधा रोपण के लिए भी हमने जागरूक किया लोगों को और पीछे हमने जैविक खेती पे भी कैंप लगाए और ये जो कोरोना काल में भी हमने आर्थिक मदद की और शारीरिक मदद जो भी जिस तरह भी हमने लोगों को डील किया, भाई गांव में किसी तरह के भी अपने किसी जान माल का नुकसान ना हो। और हमने इसके अंदर मेरे गांव के नौजवान दोस्तों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस समाज सेवा में मेरा साथ दिया। धन्यवाद। एक सच जो हमने आपको दिखाया, तो सत्यग्राम रिपोर्ट इसी तरह की प्रक्रिया आगे से आगे बढ़ाता रहेगा। तो आप सभी का धन्यवाद। आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।